नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हम बात कर रहे हैं आज कर्म कारक राशि, मेहनती राशि, कर्म कारक नहीं, मेहनती राशि, वृषभ राशि, वृषभ लगन। अकाल पुरुष की कुंडली में आप लोग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हो, धन होते हो, बैंक बैलेंस होते हो, जिम्मेदारी होते हो, मुख होते हो, सुख होते हो। लेकिन इस जीवन में जो आपने जन्म लिया है, तो संघर्षों के साथ, संघर्ष के साथ अपेक्षा आप ये कहें कि जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की राशि, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का लगन है। लोग क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, जिम्मेदारी लेकर चलना आपके जीवन का एक मूल उद्देश्य है, उससे पीछे हटना नहीं है। आप काम कितना भी करें, लोग नहीं समझते हैं, ठीक है ना। आपके लोग अनदेखी करते हैं, बैल जैसे हैं, अपने जिम्मेदारी को लेकर लगे रहते हैं। आपकी कमाई से घर चलता है, आपकी कमाई से परिवार चलता है। लोग घर में सुंदर कपड़े इसलिए पहन पाते हैं कि आप गंदे कपड़े पहन रखे हैं। लोगों के चेहरे की चमक जो पाउडर से और लाली लिपस्टिक से आ रही है, इसलिए आ रही है कि आपके अपने हाथ गंदे हैं, मेहनत किए हुए हैं। तो ऐसी लगन, ऐसे राश में जन्म लेने वाले आप लोग, शनिदेव आपकी कुंडली में 4 नवंबर से हो रहे हैं मार्गिक। अभी इनकी 1 वर्ष की गोचरी स्थिति, शनि महाराज 2023, 2024, 2025 तक क्या परिणाम देंगे, मोटा मोटा आज आपको ही बताएंगे। शनि आपके भाग्य के स्वामी है और कर्मा के स्वामी है, और भाग्य कर्म दोनों का स्वामी एक ही है, मतलब भाग्य भी उसी के अंडर कष्टी में और कर्म भी। तो कर्म से भाग्य होगा। और शनिदेव, देखिए, अब शनि महाराज की उपस्थिति इसलिए भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में मोटे तौर पे देखें तो शनिदेव क्या है, भाग्य के स्वामी है, शनि महाराज कर्मा के स्वामी है। लेकिन स्थूल रूप से देखें तो वास्तव में शनि आपके काम के पूर्ति के स्वामी है। बातें डिफरेंट सी लगेंगी, शनि और काम, यही तो खास बात है ज्योतिष की, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो चर्चा करें शनिदेव की, तो उसके पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने जिम्मेदारी के साथ जीवन निर्वहन किया है, जिम्मेदारी ये बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मित्र। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर करिएगा, नहीं तो राधे राधे। भाग्यम फलत सर्वदान विद्या न च पौरुषम। अगर आपके जीवन में भाग्य आपको सपोर्ट कर दे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए आपके जीवन में आपकी आयु का शेष होना आवश्यक है। बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग जिनकी उम्र ही कम रही, जैसे अभिमन्यु, सोच लीजिए अगर उसकी उम्र पूर्ण होती तो क्या होता, बर्बरी की उम्र पूर्ण होती तो क्या होता, कल्पना करके देखिए। आदि गुरु शंकराचार्य पूर्ण उम्र को आए होते तो क्या होता, विवेकानंद जी बहुत लंबी उम्र लेके आए होते तो क्या होता। तो जीवन में आपको आयु उतनी मिलती है कि नहीं, यह एक इम्पोर्टेंट बात है, आपके भाग्य से आता है। तो भाग्य का स्वामी कर्म के घर में गोचर कर रहा है, और ये स्टार्टिंग में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, इसको शक्तिशाली नक्षत्र बोलते हैं। मंगल का 27 नक्षत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली जो नक्षत्र है उसको धनिष्ठा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप शक्ति के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, शक्ति बल से आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसमें सुधार होगा। इसके बाद शनिदेव 24 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, राहु के शतभिषा नक्षत्र। राहु आपके कुंडली में कहाँ है, तो राहु आपके बैंक बैलेंस में है, राहु ऋण रोग में है, राहु आपके कर्मा भाव में है। तो राहु सक्रिय हो रहा है तो ऋण को खत्म करेगा, बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, शत्रुघ्नता योग क्रिएट कर देगा, नौकरी के क्षेत्र में प्रगति कर देगा, नौकरी, नई नौकरी, जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा, जुगाड़ से नई नौकरी की तलाश आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। अब यहाँ पे 16 फरवरी को ये शनि महाराज अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अस्त नहीं होंगे। अस्त होना, दिखना और होना, दोनों में फर्क है। कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जा रही है थाने में, इसका ये मतलब नहीं कि उसके थाने में बेइज्जती होगी, थाने में पिटाई होगी, नहीं। हो सकता है थानेदार अपने बाप को ही ले जा रहा हो बैठा के, चलो भैया अपने रिश्तेदार को ले जा रहा हो, चलो थाना घुमा देता हूँ, हमें आपको लगेगा इसकी पिटाई हो रही है, लेकिन थाने में जाकर जलेबी काटेगा, ठीक है, मस्ती करेगा। तो यहाँ पे सूर्य नारायण शनिदेव के घर में ही जा रहे हैं, शनि कर्मा के स्वामी है और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ठीक है ना, कर्म प्रधान है भाई, जो काम करेगा उसी का सिक्का बोलेगा। तो शनिदेव कर्मा के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, सूर्य नारायण के घर में गोचर कर रहे हैं, तो आओ भैया बैठो, वेलकम, खाओ पियो, ऐश करो। अस्त होता दिखाई देगा, अस्त नहीं होगा। तो यहाँ पे 38 डेज के लिए ऐसे आकाश में स्थिति दिखाई दे रही है। 6 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, उसके बाद 30 जून को वक्री हो जाएंगे 139 डेज के लिए,
15 नवंबर को 2024 में मार्गी होंगे, 3 अक्टूबर को सतविसा नक्षत्र में, 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये एक मिनट की जो चर्चा थी आपको समझ में कम आई होगी। यह शनि का विजिटिंग कार्ड था, शनिदेव कहाँ कब कैसे गोचर कर रहे हैं, ये विजिटिंग कार्ड था। विजिटिंग कार्ड भी जानना जरूरी है, ये उन लोगों के लिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो अब पॉइंट नोट करिए, देखिए शनि महाराज आपके लिए एक बहुत अच्छी होप लेके आए हैं, क्योंकि शनि अगर अब आपको सफलता नहीं देंगे तो कब देंगे। तो 2024-2025 सफलता का वर्ष है, अब नहीं मिलेगी तो फिर कब मिलेगी भाई, पॉइंट आउट। यहाँ पे मिलने के पीछे 2-3 कारण हैं। देखें 2023 में आपको पूर्ण सफलता मिल जाएगी, गारंटी नहीं है, ठीक। अब आपके होंगे अच्छे दिन शुरू, आपका गोल्डन टाइम शुरू नहीं, ये थंबनेल ऐसे लगाए जाते हैं कि व्यूज़ बढ़ाए जाएं, सच्चाई क्या है। अभी आपको सफलता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन बीज जो है, पौधा बने वृक्ष बने, उसके पहले बीज को ज़मीन में गड़ना पड़ता है भाई, गलना पड़ता है, और वो समय यही है संघर्ष करने का। आपके राहु महाराज लाभ के घर में आ रहे हैं 30 अक्टूबर से, आपके स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, रेवती नक्षत्र से बेहतर फल देंगे। गुरु महाराज आपके शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसका नाम है भरणी नक्षत्र, बेहतर फल देंगे। और 1 मई 2024 को ये आपके लग्न में होंगे, कृतिका नक्षत्र का प्रभाव लेके, लाभ का स्वामी लगन में भाई, बल्ले बल्ले, अब आपको क्या चाहिए। तो बेहतर टाइम की स्टार्टिंग 4 नवंबर से, उसके बाद 30 अक्टूबर, 4 नवंबर, 31 दिसंबर, 1 मई 2024, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आप कह सकते हैं वृषभ राशि के जीवन में गोल्डन समय आरंभ हो चुका है। हाँ, थंबनेल में तो हर जगह आपको लोग लगा के दिखाएंगे, बड़े मज़ेदार मज़ेदार थंबनेल लगते हैं, पता है आपको, 1001% सत्य भविष्यवाणी, 202% सत्य भविष्यवाणी, ठीक है ना, माँ भविष्यवाणी, मज़ा आता है। कभी हमें मुस्कुराने का मजाक मन करता है तो लोगों के थंबनेल देख लेता हूँ। एक और ख़ास बात, आजकल ना बहुत से लोग मेरे चैनल को लगाते हैं कि ये मेरे व्यूमर हैं, व्यूज़ हैं, देखते हैं। कभी कभी होता है लोग दूसरों का सपोर्ट लेके अपने चैनल को चमकाने की कोशिश करते हैं, तो नो इशू, चमकाते रहो भाई, खुश रहो, ठीक है ना। धरना जीवी जैसे, यूट्यूब जीवी जैसे, यहाँ पे जीवी टाइप में है, अरे अपने दम पे आप लगाओ भाई, ठीक है ना। आजकल मैं देखा कि जो लोग क्या कहें, राधे राधे, कम से कम 200 लोगों ने लगा रखा है ज्योतिष मंजरी, हमारे चैनल को देखते हैं, कहाँ समय है भाई, फिर भी खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए। तो यहाँ पे शनिदेव आपके बेहतर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पूरे 1.5 वर्ष तक आपको बेहतर परिणाम देंगे। तो तिष्ठ जागृत वरान मोदत, उठिए जागिए, लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि यही समय है, अब नहीं तो कब। शनिदेव को मजबूत करके रखिए, साथ में मजबूत करिए बुध को। अगर आपको पता है आपकी वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, देखिए सिर्फ राशि मत जाइएगा, राशि एक पार्ट है, लगन दो मेन पार्ट है। तो अगर आपकी वृषभ लगन है, डेफिनेटली एक पन्ना नीलम पहन के रखो, कोई दुनिया की शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। वृषभ राशि है तो फिर आप अपनी कुंडली दिखा के फिर पहनिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे।